नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का पहले दिन का महात्म सुनाएंगे। कार्तिक का महात्म सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान के श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौंकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, ब्राह्मण आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महंत की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास को जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे, हे पिता, मैं कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तथा ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 अंगुली लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करने हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काला तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करे। भगवान को अधैर्य देवे और प्रार्थना करे कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अधैर्य को ग्रहण करे। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे आवाहन, पाद्य, अधर्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद, तंबाकू, उगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इसी के साथ पहले दिन का महात्म संपूर्ण होता है। कार्तिक मास के नियमित रूप से सभी दिन की अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।